हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक स्कूल में 76% छात्र लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 204 है तो छात्रों की कुल संख्या है। तो माना कुल बच्चे एक्स हैं, बच्चे एक्स हैं या इनको हम छात्र भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास लड़के प्लस लड़कियां होना चाहिए 100%, क्योंकि लड़के हमें दिए हुए हैं 76%, तो हम लड़कियों का प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। तो लड़कियों का प्रतिशत हम 100% में से घटाकर निकालेंगे। तो लड़कियां कितने प्रतिशत हैं? 100 - 76 बराबर हो गया 24%। कितना हो गया? 24%, यानी 24% लड़कियां हैं। अब लड़कियों की संख्या, क्योंकि हमने टोटल एक्स माना है, तो एक्स का 24% बराबर हमें लड़कियों की संख्या दी हुई है 204। तो एक्स का मतलब गुणा 24% का मतलब 1/100। प्रश्न चिन्ह जो होता है इसका मतलब होता है 1/100, ये याद रखें। तो 24 × 1/100 बराबर 204। अब हम करेंगे एक्स बराबर, ये 100 का तो 204 में गुणा हो जाएगा और 24 का लग जाएगा हमारा भाग, तो हमारी संख्या आ जाएगी। तो हम पहले 4 से करते हैं। 4 × 6 = 24, 4 × 1 = 20 और 4 × 1 = 4, यानी 51 × 100/6। अब 3 से काटेंगे इसे, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3 और 30 × 7 = 21, तो 17 × 100/2 यानी 17 × 50 और 17 × 5 = 85, 850। तो इस तरह से बच्चों की संख्या हो गई हमारे पास 850, यानी टोटल उसमें छात्र हैं 850, जो कि ऑप्शन हमारे सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।